ये यशोदा नगर उत्तर नागपुर का ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर ठीक कब्रिस्तान के पीछे एक नाला है और जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी नाले के अंदर एक लाश यहाँ पर बह के आई है और वो लाश कब से आई है, कितने दिन से आई है, इसका कोई अंदाज़ा हमें नहीं मिल पा रहा है। अभी पुलिस इसकी जांच करेगी, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि लाश को कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पर, जो बह के आई लाश कहाँ से आई और कौन है। अभी हम उत्तर नागपुर के वंदेवी चौक के पास में जो नाला है और यशोधरा कब्रिस्तान के ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि एक लाश यहाँ पर पड़ी है। और यहाँ पर ये लाश कब से यहाँ पर आई है, कितने दिन हो गया, इसका कोई मतलब अभी पता नहीं चला है। और पुलिस से जब तफ्तीश के बाद में हम ये जानकारी हमें प्राप्त होंगी कि ये लाश यहाँ पर कितने दिन से पड़ी है, क्योंकि लाश ऐसा लग रहा है पूरी फूल चुकी है। और यहाँ पर दमकल विभाग के भी देखिए आप पूरे कर्मचारी मौजूद है। ये देखिए कि ये पानी डाल रहे हैं बॉडी के ऊपर ताकि बॉडी साफ़ और क्लियर नज़र आ सके। और सामने आप देख सकते हैं कि यशोधरा थाने की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पता ये चला है कि किसी एक लेडीज़ को यहाँ पर कचरा फेंकने आई थी, तब उसे लाश दिखी और किसी स्थानीय लोग ने यहाँ पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पर पुलिस को इत्तला दी। और पुलिस पूरे दलबल के साथ में यहाँ पर मौजूद है। यशोधरा थाने के जो वरिष्ठ निरीक्षक है जो यश चौहान साहब और यहाँ पर एसीपी साहब भी नज़र आ रहे हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर नज़र आ रही है। देख सकते हैं कि बॉडी को बीचों बीच जो बॉडी थी उसको इस साइड से उस साइड किनारे करा जा रहा है ताकि बॉडी निकालने में आसानी हो, क्योंकि बीच में नाले के बीच में बहुत पानी है और दलदल भी बहुत है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आसानी से बॉडी उस किनारे पर पहुँचे और वहाँ पर उस लाश को निकाल सके आराम से।